निमोना के लिए हमने कढ़ाई में तेल डाला है, मेथी डाला है, उसके बाद ये मटर पीसा हुआ, इसमें प्याज लहसुन जीरा डाल दिया है। अब इसमें हम हल्दी पाउडर डाले हैं, इसको मिला लेंगे। फिर धनिया पाउडर, गरम मसाला, अब इसको हम खूब अच्छे से भूनेंगे लाल होने तक। लाल हो गया, अब इसमें हम आलू डालेंगे कटा हुआ। आलू डाल के इसको भी भूनेंगे कम से कम 10-15 मिनट तक, जो खूब अच्छे से महक जब आने लगती है। अब इसमें हम तब तक बारीक टमाटर काट लेंगे, अभी ये भून रहा है। अब इसमें हम बारीक कटा हुआ टमाटर डालेंगे। इस समय देसी टमाटर आ रहा है, इसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है इसमें। अब इसमें हम नमक डालेंगे और पानी डालेंगे। इसमें हींग ज़रूर डालना, हींग का स्वाद इसमें अच्छा आता है और इससे गैस भी नहीं बनती है। अब इसको हम चला करके ढक देंगे। अभी देखिए निमोना तैयार हो गया। ये देखिए आलू फोड़ के देख लीजिए। निमोना की रेसिपी देख के बताइए आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्ते, टाटा, बाय बाय।